जरूर एक कमबैक करना पड़ेगा पिछले मैच में जितने पॉइंट्स को गवाए थे गॉड लाइक रिकॉर्ड लग गए देखिए बाकी के पीछे बैठे हुए थे मवी का एक लेजर स्प्रे एक बेहतरीन ट्रेस किया गया एंड इसी के साथ-साथ फिनिश पॉइंट भी कलेक्ट करने की कोशिश है उनको बस पिक्सल दिखता है उस घास के ऊपर से एंड फिनिश पॉइंट इमीडिएटली आएगा बट जंप कर देते और वेट किया जाता है वहां पे वही कारनामा फिलहाल कुछ टीमों की तरफ से इस मैच में बट क्लच गॉड देखिए अभी बचे हुए बचने की कोशिश एटलीस्ट कर रहे स्काउट का एक्सप्रे आएगा तो क्लच गॉड को फिलहाल अगले 15 एचपी पे ही छोड़ने वाला है संभल के रहना पड़ेगा स्काउट को बिकॉज पीछे से रेवेनेंट की टीम भी एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड टीम एक्सपार्क अभी मोस्टली जो टीम है आपको फोर्थ लाइन पे ही नजर आएगी 420 का एक्सप्रे आएगा जो पैराडॉक्स को पानी के अंदर नॉकआउट करेगा बट क्लच गॉड गिर के नॉकआउट हो जाते हैं ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग मोमेंट रहेगा गॉड लाइक के लिए क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे 15 टीम्स बची हुई है पांचवा सर्कल हमारे सामने आ रहा है पैराडॉक्स इज ऑन अ रोल पैराडॉक्स के लिए फिलहाल ये मैच यहीं पे समाप्त होने वाला है रेवेनेंट के लिए ये चैलेंजिंग मोमेंट रहेगा कि वो पानी से निकल के कितना आगे आ पाए बट टीम एक्सपार्क देखिए वो जोन का एक ऐसा हिस्सा लेकर के बैठे हुए जहां पर कोई टीम्स ऊपरी एरिया से उनको डैमेज नहीं दे पाएंगे ग्रेनेड आएगा जो कि कॉन्फर्मेशन निकालेगा स्नेक और बढ़ना कुल लुकिंग फॉर दैट ब्यूटीफुल कनेक्शन कूद के आएंगे दूसरे तरफ से एंड एक सक्सेसफुल वन वर्सेस थ्री शायद हमें देखने का मौका मिला है ग्रेनेड डालेंगे नूब के ऊपर अकेले बचे हुए नूब उस पेड़ के पीछे एंड उनके ऊपर कंटिन्यूअसली शॉट्स दिया जा रहा है 7C स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो जाती है 12वें पोजीशन पे 2 फिनिश पॉइंट के साथ और इस पावर आगे जा रहे हैं गॉड लाइक लाइक नूब दूसरे एंगल से पीक करते हैं नियो इमीडिएटली उनको एलिमिनेट करेंगे अभी मार पाएंगे वही है बड़ा सवाल बट गॉड लाइक की टीम देखिए सीधा आगे जा जाते हैं एनिग्मा गेमिंग के साथ एक क्लोज रेंज कॉम्बैट इंफॉर्मेशन नहीं दिया अभी ने इनिस करके आगे आते बट इस पावर के ये बेहतरीन ड्रॉप शॉट एनिग्मा अभी को नॉकआउट किया जाएगा सिक्योर किया जाएगा फिनिश पॉइंट एंड लुक लाइक एनिग्मा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बढ़ता हुआ गॉड लाइक की पूरी टीम जो बची हुई आती है ग्रेनेड से नियो का नॉकआउट निकाला गया बाकी दोनों खिलाड़ी भी काफी लड़ रहे एक और ग्रेनेड इस पावर नॉकआउट एनिग्मा गेमिंग एक बेहतरीन नीड परेड के साथ साथ गॉड लाइक का सफाया करते हुए इस मैच से 8वें पायदान पे 3 फिनिश पॉइंट के साथ साथ गॉड लाइक एलबी अभी के लिए ग्लोबल स्पोर्ट्स के जवाब के खिलाड़ी है वो फिलहाल स्प्रेड आते हैं ब्लाइंड में स्प्रेड आते हैं स्मोक के अंदर बट अल्ट्रॉन फिलहाल एक और फिनिश पॉइंट अपने नाम वो अग्रेस नहीं कर रहे एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव कि आप एंड सर्कल में अग्रेस ना करें जब आपके पास ओपनिंग है बट मवी एक बेहतरीन फ्लैंक के साथ आगे आएंगे ब्लाइंड शैडो का नॉकआउट निकाला गया है ये फ्लैंक बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है मवी मार रहा है अल्ट्रॉन यहां पर मारते हुए जाएंगे एक ग्रेनेड जिससे कि शैडो का नॉकआउट एंड नॉकआउट मवी एंड अल्ट्रॉन आर ऑन अ रोल ब्लाइंड के रेज अल्ट्रॉन का नॉकआउट निकालते हैं मवी के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी ब्लाइंड स्पाई ओपी रिवाइवल देना पड़ेगा हैदराबाद हाइड्रास की तरफ से भी आपको दो खिलाड़ी बेस्ट में आएंगे मैक्सी एंड कैरी जो अभी भी पानी का सपोर्ट लेके आगे आने की कोशिश कर रहे हैं इमेजिन कीजिए कि कैरी पीछे से आ जाते हैं ब्लाइंड के बिल्कुल पीछे से स्नीक इन कर जाते हैं बहुत बड़ा खतरा रहेगा बट ग्रेनेड जो है टॉस किया जाता है मवी के द्वारा जिससे कनेक्शन ना के बराबर देखिए यहाँ पे अल्ट्रॉन को भी रिवाइव देना पड़ेगा जो कि मेरे इस बार बहुत जल्दी से यहाँ पे करे 420 को यहाँ पे नॉक किया जाता है और फिनिश भी कर देंगे कि इस बार रिवाइवल ना हो सके उसका पूरा पूरा ध्यान रखेगा मवी की बात करें वेट किया जा रहा है वो इंतजार की घड़ी क्योंकि यहां से वो जानते हैं कि अगर आगे बढ़ेंगे तो ब्लाइंड के पास वो मैन एडवांटेज जो कि भारी पड़ सकता है बट अल्ट्रॉन वहां पे स्पाइक वहां पे डाउन करने में कामयाब होते हैं डेडपूल की तरफ से ग्रेनेड टॉस जरूर से वो करना चाह रहे लेकिन अल्ट्रॉन के कुछ ये रैंडम पर ग्रेनेड आ रहा है क्या कनेक्शन टूटेगा कनेक्शन वहां पे टूट लिया अब मवी के ऊपर सारी की सारी वो बाहर आ चुकी है क्या वो विजेता तक यहां पे अपनी टीम को लेके जा सकते हैं क्योंकि ब्लाइंड के पास अभी भी मैन एडवांटेज है वेल बट मवी हार मानने का नाम नहीं ले रहे रेज को भी नॉकआउट किया गया है स्पाई ओपी सबसे पहले हील अप करता है उसी के बाद वो भी आगे बढ़ने की कोशिश बट मवी के ऊपर बेहतरीन कनेक्शन बनता है जिससे कि वेस्ट उनकी बहुत लो हो जाती है हैदराबाद हाइड्रास के कैरी पानी के ऊपर आ रहे सांस ले रहे वापस पानी के अंदर जा रहे वो जितने ज्यादा हो सके प्लेसमेंट पॉइंट निकालने की कोशिश करें बट देखिए इस बार कैरी ऊपर चढ़ते इमीडिएटली प्रोन डाउन हो जाएंगे बट इसका फायदा ब्लाइंड के डेडपूल को मिलेगा जो मवी को एलिमिनेट कर जाते हैं एक्सपार्क इज डाउन एंड आउट इन थर्ड पोजिशन ब्लाइंड की टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है डेडपूल आगे आ रहे हैं कैरी अकेले बचे हुए हैदराबाद हाइड्रास की तरफ से पानी के अंदर है पोजीशन उनकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है जोन के बाहर ही वो फिनिश हो जाएंगे एंड इसी के साथ साथ एक चिकन डिनर लेके जाती है ब्लाइंड की टीम विथ टोटल